कनाडा की गिनती दुनिया के विकसित देशों में की जाती है। यह उत्तरी अमेरिका में स्थित दुनिया का दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। अमेरिका के साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा दुनिया की सबसे बड़ी भू सीमा है, जिसकी लंबाई 8000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। कनाडा को अगर हम मिनी हिंदुस्तान कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ हर साल 30,000 से भी ज़्यादा भारतीय जाकर बस जाते हैं, और इनमें से सबसे ज़्यादा लोग पंजाब से जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कनाडा का करीब 40% भाग जंगल है। यहाँ के जंगल इतने बड़े हैं कि उनमें कई जंगल समा जावे। कनाडा को झीलों का भी देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी झीलें मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि दुनिया का करीब 20% पानी कनाडा के झीलों में ही पाया जाता है। सिर्फ यही नहीं, इन झीलों की वजह से ऐसा भी माना जाता है कि कनाडा का पानी मिनरल वाटर से भी ज़्यादा साफ है। कहते हैं कनाडा के कुछ हिस्सों में गुरुत्वाकर्षण का स्तर दूसरे हिस्सों के मुकाबले बहुत कम है, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको हवा में उड़ने का अनुभव भी होगा। कनाडा में काफ़ी ठंड पड़ती है। कहते हैं यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि समुद्र का भी पानी जम जाता है, और वहाँ के लोग उस पर आइस हॉकी का मजा लेते हैं। कनाडा में चूहा पालना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि वहाँ पर चूहा पालने के लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। दरअसल कनाडा में जिंदा चूहा को बेचना या मारना गैर कानूनी काम माना जाता है। कनाडा में 7821 किलोमीटर लंबा ट्रांस कनाडा हाईवे है, जिसे दुनिया के सबसे लंबे राजमार्गों में से एक माना जाता है। दरअसल ट्रांस कनाडा हाईवे एक अंतर महाद्वीपीय संघीय प्रतीत राजमार्ग प्रणाली है, जो अटलांटिक महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक कनाडा के सभी 10 प्रांतों से होकर गुजरती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मैक्रोनी और पनीर कनाडा में ही खाया जाता है। कनाडा दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा देश है। कनाडा नाम गलती से पड़ा था, जिसका अर्थ होता है गांव। कनाडा यानी गांव।